पीछे खड़े साथी को राइफल फेंकेगी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके मध्य 12 फीट की दूरी है। हम सबके उठने का जो रूटीन है बिल्कुल अलग अलग है। हम सब लोग अपने अपने काम के हिसाब से उठते हैं। जनरली मैं 4:30 से 5 बजे के बीच उठ जाती हूँ और अगर बहुत ही ज़्यादा देर तक सो जाऊँ तो 5:30 तक उठ जाती हूँ। लेकिन रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास सोई थी और सुबह 4 बजे कोई अलार्म की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरी आँख खुद से खुल गई। क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह को। और आज का दिन मेरे लिए इसलिए ज़्यादा स्पेशल हो जाता है कि आज के इस खूबसूरत दिन के लिए मतलब मैं उसका हिस्सा बनने जा रही हूँ और मेरे साथ साथ आप भी बनेंगे। तो दोस्तों, आज हम अपने स्टेशन में कारगिल विजय दिवस को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं वही सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो घर के सारे काम को जो भी सुबह सुबह पॉसिबल था वो मैंने ख़त्म कर लिया और कोई भूख प्यास तो आज मुझे मॉर्निंग में नहीं लगी। आज मैंने कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं करा है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अंदर क्या होगा कि बहुत जगह जो कैमरा है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो कई जगह की मैं शायद आपको कोई क्लिप ना दिखा पाऊँ। लेकिन एयरफोर्स के अंदर जो भी सेलिब्रेशन होगा उसका हिसाब मेरे साथ साथ बनेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे घर से स्टेशन की जो दूरी है वो बस इतनी है कि सिर्फ हमें 15 मिनट लगती है जाने में। तो 7:45 बजे के आसपास हम घर से निकले थे और हम लोग बाइक से गए थे और ठीक 8 बजे के बाद VIP एंट्री स्टार्ट होनी थी, हम सब के लिए एंट्री बंद हो जानी थी। तो हम लोगों ने कोशिश करी थी कि पहले वहाँ जाने की और हमने ये सोचा था कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी इस टाइम पे। लेकिन जिस टाइम पे हम वहाँ पहुँचे, कैन यू बिलीव इट, लगभग 6,000 लोगों की जो तादाद थी वहाँ पहुँच चुकी थी। कहाँ तक टाला जाए, बंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, वंशज है राणा का फेंक कहाँ तक भारा जाए। देवियों सज्जनों, अब समय है कि आपको अब तक की सबसे कठिन और लुभावने कर्तव्य को पेश किया जाए जिसमें वायु योद्धा बिना देखे ही अपने पीछे खड़े साथी को राइफल फेंकेगी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके मध्य 12 फीट की दूरी है। एक बार जोरदार तालियों से इनका मनोबल बढ़ा। सज्जनों ध्यान से देखिए लहरों को जो वायु योद्धाओं की तत्परता एवं एकाग्रता का परिणाम है। सज्जनों, अपनी नजरों को एक क्षण के लिए भी राइफल से ना हटाएं क्योंकि अब आप देखेंगे कि कितने अलौकिक अंदाज से एक दूसरे को राइफल स्थानांतरित करेंगे। चला
जा, चला जाना तू, मेरा नाम ले दे, यहाँ को निकल जाना। कहने की जरूरत नहीं है कि कवायद न केवल व्यक्ति में धीरे धीरे स्तर को बढ़ाता है बल्कि लगभग 7 से 8 हज़ार लोग थे वहाँ पे। स्कूल के सारे बच्चे यानी आसपास के जितने स्कूल्स हैं उनके सारे बच्चे इनवाइट थे। और गर्मी अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग 39 डिग्री सेल्सियस जो तापमान था वो था। धूप एकदम चिलचिलाती थी, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे इतना ज़्यादा जोश था कि मैंने किसी छोटे बच्चे को भी वहाँ परेशान होते नहीं देखा। इवन धूप में बैठ के बच्चों ने इस शो को देखा और अपने जो सोल्जर्स हैं उन्हें सलूट किया। रनवे पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आपके साथ बात करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करी है कि कम से कम मुझे वॉइस ओवर देना पड़े, क्योंकि जो बात आज के ओरिजिनल आवाज़ों में होगी वो अगर मैं वॉइस ओवर से आपको समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और हमारे इतने बार रोंगटे खड़े हुए, इतनी बार हमारी आँखें नम हुई, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था, अनबिलीवेबल। और मैं प्राउडली कहती हूँ कि मैं इंडियन हूँ और ये मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, हम सब के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। Oh, my God.
एक के बाद एक गुजरते हुए बेखौफ लड़ाकू विमान, और उसके बाद जब आसमान में गर्जना गूंजती हुई रह जाती थी, वो जो सीन था वो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इतना खूबसूरत होता था कि दिल करता था उसे हम बार बार देखते रहें। आज की जयंती में Mi-17V5, AN-32, डोनियर, जैगवार, राफेल और सुखोई जैसे ऐसे लड़ाकू विमान थे जिसे देखकर दुश्मन देश के दिल थर्रा उठेंगे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। भीड़ भी ज़्यादा थी और धूप और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन किसी के भी चेहरे पर शिकन नहीं थी, क्योंकि जिस टाइम पे वो जहाज़ हमारे बीच से होके गुजरते थे, हम लोगों का जो जोश था वो पहले से भी दुगना हो जाता था। बहुत सारे बच्चे इनवाइट थे, और आज देखिए वहाँ जहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, वहाँ शिवा है, वो स्कूल की तरफ से इनवाइट था। You are about to witness the missing man promise to our nation. So it is requested to kindly rise in this. पूरा प्रोग्राम लगभग 4 घंटे तक चला, और इतना ज़्यादा हम लोगों ने आज इसका आनंद उठाया है, इतना ज़्यादा हमने खुद को प्राउड फील किया है कि मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अविश्वसनीय, अद्भुत, अतुल्य। हम सब अच्छे से जानते हैं कि 26 जुलाई 1999 में जब हमने कारगिल विजय को हासिल करा तो ये कितना मुश्किल काम था। सियाचिन की कड़कती ठंड और तपतपाती गर्मी सिर्फ हमारे जवान इसलिए सहते हैं ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें। मैंने आज की वीडियो को बहुत आराम से शूट करा, और आप लोग अपने अपने घरों में बैठ के इसे आराम से देख पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है उनका बलिदान और देश की सीमा पर जो लोग अब प्रहरी बन के खड़े हैं। मैं दिल से नमन करती हूँ उन माओं को, उन पत्नियों को, उन बहनों को जिन्होंने इस युद्ध में और इससे भी अलग अपने अपने वीरों को खोया है। हम महसूस भी नहीं कर सकते कि उनका जो बलिदान है वो हमारे लिए किस तरह से अमूल्य है। चलते चलते बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ दोस्तों, कि आज का जो वीडियो था इसको जब मैं शूट कर रही थी, कई बार मेरे रोंगटे खड़े हुए और कई बार मैंने खुद को इमोशनल फील करा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी उनके बलिदान को नहीं भूल सकते, और इस देश का बच्चा बच्चा हर रोज़ उनके बलिदान को याद रखेगा। अब मैं अपने देश के जवानों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ, और आज सब्सक्राइब के लिए तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन लाइक के लिए कहूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि मेरे देश के हर बच्चे बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे।
फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और चलते चलते अपने जवानों को मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके बलिदान का एक भी कतरा वेस्ट नहीं जाएगा। हम सब अपने लास्ट टाइम तक, यानी जब तक हमारी जान में जान रहेगी, तब तक आपके बलिदान को याद रखेंगे। जय हिंद।